शेखपुर गांव में बन रहे मजहबी गेट के विरोध में धरने पर बैठे राजा उदय प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सड़क पर बन रहे मजहबी गेट के विरोध में राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कुंडा तहसील परिसर में धरना देना शुरू कर दिया है। राजा भैया के पिता भद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह की मांग है कि सड़क पर अतिक्रमण करके बनाए जा रहे मजहबी गेट को तुरंत हटाया जाए। जब तक इस गेट को नहीं हटाया जाता तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कुंडा तहसील क्षेत्र के शेखपुर आशिक गांव में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण कर मजहबी गेट बनाया जा रहा है। राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह का कहना है कि धर्म विशेष के लोगों द्वारा इस तरह का मजहबी गेट बनाकर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा कार्य पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण करके किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, किंतु न तो पीडब्ल्यूडी विभाग, न ही तहसील प्रशासन और न ही जिला प्रशासन इस पर कार्यवाही कर रहा है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। महाराज जी, आज किस बात को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? पूरा मामला क्या? मामला ये है कि पूरे मुहर्रम भर 15 दिन 10 दिन पहले ही से सड़क पर शेखपुर आशिक में एनक्रोचमेंट करके सड़क के आर पार मस्जिद नुमा एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और उसमें पता नहीं उनकी भाषा में क्या क्या लिखा है और हिंदुओं को बाध करा जाता कि उसके नीचे से जाइए आप। ये तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करा जा रहा है और इसकी हम FIR भी कर सकते हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के FIR भी कर सकते हैं, मगर पूरा जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन एक्शन हिंदुओं के पक्ष में कभी लेता नहीं जल्दी, इसलिए हमको धरना बैठना। इस पर PWD ने कोई कार्रवाई नहीं करी? PWD को करना था, हर साल क्यों लगने देती है? PWD भी कुछ नहीं करती। आपने ट्वीट किया था इसको, इस पर प्रशासन ने या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं। तो अब मांग क्या है महाराजा? अब मांग है कि वो हटाया, अवैध चीज़ें हटाया जाए, हमारी धार्मिक भावना को ठेस लग रही है, हम क्यों जाएं उसके नीचे भैया? तो जब तक वो हटेगा नहीं आप धरने पर रहेंगे? हम तो बैठे हुए हैं, अब आगे देखिए क्या। आज तो हम बैठे ही हुए हैं और हमारी योजना तो यही है कि हटाया जाए तब हम हटेंगे। धन्यवाद।